हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग का दुआ है तो मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सुबह का बज गया था 11 और मेरा नाश्ता मतलब थोड़ा बहुत किए थे, कुछ कुछ ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ठंडी के दिन में आजकल ज़्यादा भूख नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं चोखा की तैयारी कर रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अब प्लीज़ प्लीज़, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते, प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बस कुछ नहीं लगता है। और फ्रेंड, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। अब वीडियो पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड। बस यही मेरा आप लोग से दुआ है, जो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, शिवम जो है चोखा मांग रहा है। तो यहाँ पर चोखा में बस तेल, नमक, जो लहसुन और धनिया पत्ता और 2 मिर्च डाली हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और शिवम जी मांग रहे हैं तो उसको भी कभी कभार दे देती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि हम ही लोग का खाना है। तो ये मत बोलिएगा कि झूठ कर आ रही है, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड को और हम हैं और मेरे देवर हैं, बस 3 ही लोग हैं और मेरे लड़का लड़की हैं। तो यहाँ पर चोखा वोखा रख के आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए मटर ली हूँ, मटर के यहाँ पर कुकर में डालूँगी, इसको 2 सीटी लगाऊँगी। तो वीडियो में बनी रहिएगा क्या बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से बोल रहे थे और हमको तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर हस्बैंड बोले हैं तो बनाना तो पड़ेगा। क्योंकि तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, जो मटर का जो है हम दाल बना रहे हैं, बस थोड़ा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो नहीं है, हम लोग बस 3 जन हैं, मेरा लड़का लड़की है तो वो तो उतना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से फ्रेंड इस तरह मसल लेती हूँ। अब कुछ नहीं, बस सिंपल सा ही मैं दाल बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी। तो उधर मेरा जो फ्रेंड है, जो कढ़ाई भी गर्म हो रहा है। और बताना फ्रेंड, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग का इंतज़ार रहता है। तो वहाँ पर मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था, उसमें तेल डाल दी थी, इसके बाद उसमें जीरा और 2 मिर्चा डालूँगी फ्रेंड, और कुछ नहीं, क्योंकि बस काफ़ी थोड़ा सा ही दाल था, ज़्यादा नहीं था, इसीलिए ज़्यादा मसाला वसाला नहीं ऐड की हूँ, क्योंकि बस थोड़ा सा बनाई हूँ तो सोचे इसी तरह बना देती हूँ। कभी दूसरा दिन बनाऊँगी तो मसाला वसाला डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इसको भी इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से इसको फिर से मैं पकाऊँगी, ज़्यादा देर नहीं, बस फिर भी मतलब 3-4 मिनट तक पकाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और बताइएगा आप लोग कैसे चना के दाल, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, आप लोग कैसे जो मटर का दाल बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है डिब्बा का हल्दी मतलब ख़त्म हो गया था, तो फ्रेंड जो है हल्दी मेरा घर का ही है, तो इसमें देखिए था डिब्बा में, अब इस डिब्बा से मैं इस डिब्बा में डाल लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मेरे घर पर ही हल्दी मतलब आता है, तो वही पिसा के रखी है मेरी सासू माँ। तो यहाँ पर से उसको फिर मैं रख दूँगी जहाँ से लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर भर देंगी। तो ये तो कम से कम मेरा 8 या 10 दिन चला जाता है इतना हल्दी। तो यहाँ पर फ्रेंड जब तक दाल बन रहा था, हमको 4-5 दिन से चूड़ा और दही खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं सोचती हूँ खा लूँगी मगर खा नहीं पाती हूँ। तो आज तो सोचे थे कि खाएँगे ही खाएँगे। तो यहाँ पर देखिए दही ली हूँ, चूड़ा, इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देती हूँ। तो जिसको जिसको चूरा दही खाना है आ जाइए हमारे घर। और देखिए फ्रेंड मैं खा ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड मेरा खाना ना हो गया था चूरा, और यहाँ पर दाल मेरा बन गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड आप लोग से अगले वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड।